हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 3 और जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो सबसे पहले तो हमें जो सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि सिंथेटिक क्या होता है। सिंथेटिक को हम मैनमेड भी कहते हैं, यानी सिंथेसाइज करना किसी चीज़ को, बनाना, यानी जिस चीज़ को हम लोग बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक, या मैनमेड भी उसको कहते हैं। तो मैनमेड जो फाइबर होता है या और जो प्लास्टिक्स होती है, वही इन सब चीज़ों के बारे में ही हम इस चैप्टर में सीखेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा तो नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। थोड़ा बहुत इसके बारे में आप इससे यानी परिचित है, आप इससे फेमिलियर हैं, तो थोड़ा बहुत और हम सीखने की कोशिश करेंगे इसमें और कुछ नया। तो शुरू करते हैं। द क्लॉथ्स विच वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स, यानी जो भी कपड़े पहनते हैं हम, वो किसके बने हुए होते हैं, फैब्रिक्स के बने हुए होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, और फैब्रिक किससे बनता है, फाइबर से बनता है। ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज, तो ये फाइबर जो होता है हमें, या तो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलता है या फिर आर्टिफिशियल जो सोर्सेज होते हैं उनसे मिलता है, यानी बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स, क्या कुछ आप जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनके नाम बता सकते हैं। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यानी घरों में चीज़ होने वाली, जो यूज होने वाली जो बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो फाइबर की बनी हुई होती है। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स, तो आप उन चीज़ों के नाम अपने पास नोट कर सकते हैं जो जो फाइबर से बनी हुई होती है, उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। ट्राई टू सेपरेट दैम इन टू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, और उनको जो आर्टिफिशल्स हैं या फिर जो दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स, यानी जो नेचुरल फाइबर से बनी हुई है और जो आर्टिफिशियल फाइबर से बनी हुई है, उनको आप सेपरेट सेपरेट उनके नाम अपने पास नोट कर सकते हैं। मेक एंट्रीज इन टेबल 3.1, एक टेबल इसमें गिवन है, और जिस तरह की टेबल ये दे रखी 3.1, जिसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में बताया गया। उसमें सबसे पहला कॉलम है सीरियल नंबर का, दूसरा है नेम ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल का नाम, यानी कौन सी चीज़ है वो, और वो किस तरह के फाइबर से बनी हुई है, वो नेचुरल फाइबर से बनी है या फिर आर्टिफिशियल फाइबर से बनी हुई है। व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल, तो उसको आप किस तरीके से लेबल करेंगे कि ये आर्टिफिशियल है। यू हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, यानी जो भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं या तो हमें प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं, और वो कौन कौन से हैं, जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, तो ये इस तरह के नेचुरल फाइबर्स होते हैं या तो प्लांट से मिलते हैं, जैसे कॉटन हो गया, कॉटन तो हमें प्लांट से मिलता है, वूल और सिल्क ये दोनों हमें एनिमल से मिलते हैं। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड ऑफ मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो सिंथेटिक फाइबर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसे कौन बनाता है, उसे ह्यूमन बींग बनाता है, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। देखो वही चीज़ आ गई है, या तो उसको सिंथेटिक कहते हैं या फिर मैन मेड फाइबर भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें डायग्राम के थ्रू भी दिखाया गया है सिंथेटिक फाइबर को। वॉट आर सिंथेटिक फाइबर, यानी सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, यानी आपने देखा होगा जो नेकलेस जो बना होता है उसमें धागा होता है, उसमें बीड्स जो होते हैं वो डले हुए होते हैं। और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन, या फिर उसमें आप ये भी कर सकते हैं जो पेपर क्लिप बना करके उसको साथ साथ उसमें लगा सकते हैं, धागे में जॉइन करके एक साथ जो चेन बन जाती है एक तरह की, जैसे कि फिगर 3.1 में दिखाया गया है। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू, और उनमें अंतर क्या होता है दोनों में, अगर आप अपने पेपर की बनाई है या फिर अपने बीड्स उसमें लगाए हैं, बीज लगाए हैं इसमें, माला के जो बीज होते हैं उस तरह के, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या कुछ आपको अंतर इसमें नज़र आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ हमने देखी है। अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर, यानी सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो छोटी छोटी यूनिट जो होती है उनसे मिल करके एक चेन उसकी बन जाती है छोटी। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस, हर किसी छोटी यूनिट को हम क्या कहते हैं, एक्चुअल में क्या होता है वो, एक केमिकल सब्सटेंस होता है
मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कम्बाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। यानी बहुत सारी जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है, जब वो कंबाइन होती है, जब वो जुड़ती है आपस में और एक क्या बनाती है, लार्ज सिंगल यूनिट बनाती है, यानी एक बड़ी यूनिट बनाती है, उसे हम पॉलीमर के नाम से जानते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। अब ये जो वर्ड आया है पॉलीमर, वो कहाँ से आया है? फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड हैं, पॉली, पॉली का मीनिंग क्या होता है, मैनी, एंड मर मीनिंग पार्ट या यूनिट। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। यानी पॉलीमर क्या होता है, जब छोटी छोटी यूनिट जो होती है रिपीट होती है, बहुत सारी यूनिट से मिलकर के, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के पॉलीमर बनता है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा छोटा सा बॉक्स है, इसमें भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सेलुलोज के बारे में लिखा है, क्योंकि सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो सेलुलोज क्या होता है, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, लेकिन इसको पॉलीमर भी कहते हैं। पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो, यानी पॉलीमर जो होता है वो नेचर में भी होता है। कॉटन फॉर एग्जाम्पल, जैसे कॉटन हो गया फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉटन सेलुलोज। यानी कॉटन जो होता है एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें सेलुलोज होता है। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। यानी सेलुलोज कैसे बनता है, मैंने बताया था कि सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो ग्लूकोज की छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बनता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। यानी सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो कितने टाइप का होता है। सबसे पहले हम जानेंगे रेयन के बारे में। रेयन क्या होता है, यू हैव रीड इन क्लास सेवन्थ, यानी आपने क्लास सेवन्थ में पढ़ा दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज कैप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आपने देखो ये कितनी गहरी बात है ये, कि इसमें ये कहा गया कि चाइना में उसको डिस्कवर किया गया और बहुत दिन तक उसको सीक्रेट रखा गया, क्योंकि चाइना की जो मेंटेलिटी है वो शुरू से ही ऐसी रही है कि वो क्या करता है, पैसा कमाने के चक्कर में। तो उसने क्या किया, उसको सीक्रेट रखा है बहुत दिनों तक। और ये आपने सेवन्थ क्लास में पढ़ा है कि ये किससे मिलता है, हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। एक सिल्क वॉर्म होता है, एक रेशम का कीट होता है, रेशम का कीड़ा होता है जो इसको बनाता है, लेकिन इसकी डिस्कवरी चाइना में हुई है। वो बहुत दिन तक उसको ऐसे रखा गया कि जैसे उसके बारे में कोई नहीं जानता था उस टाइम, तो उससे उसने काफ़ी पैसा कमाया। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। जो फैब्रिक जो होते हैं, जो सिल्क से बने हुए फैब्रिक्स होते हैं, वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। तो लेकिन वो कैसे होते हैं, दिखने में उनकी जो टेक्सचर जो होती है, उनकी जो बनावट होती है, बहुत ही अच्छी होती है हर किसी के लिए। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। यानी अटेम्प्ट्स वर मेड, यानी बाद में इसको बनाया गया है टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियल सिल्क भी इससे बनाया गया है, और नेचुरल सिल्क से थोड़ा सा अलग होता है, उसकी बनावट जो होती है, टेक्सचर जो होती है, थोड़ी बहुत उससे मिलती जुलती होती है, लेकिन सेम नहीं होता। कम कीमत पर मिल जाता है, कॉस्ट उसकी कम होती है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century के एंड्स में साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। यानी साइंटिस्ट ने एक ऐसा फैब्रिक बनाया जिसकी प्रॉपर्टीज कैसी थी, सिल्क के जैसी थी, सिल्क के सिमिलर थी। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। अब ये बना कैसे फाइबर, जो केमिकल ट्रीटमेंट किया, जो वुड पल्प होता है, वुड से जो लकड़ी का, जो लकड़ी से जो पल्प निकलता है, उसका ट्रीटमेंट करने के बाद, उसका केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उससे हमें ये फाइबर मिलता है जो किसके जैसा है, सिल्क के जैसा है। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन, और आर्टिफिशियल सिल्क भी इसको कहा गया है, उसका नाम क्या था, रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, अब क्योंकि वो रेयन जो मिला है हमें नेचुरल सोर्स से ही मिला हुआ है, क्योंकि वुड पल्प क्या है, नेचुरल सोर्स है, येट इट इज़ आ मैनमेड फाइबर, लेकिन फिर भी इसको मैनमेड फाइबर कहा गया है, क्योंकि इसको केमिकली तैयार किया गया था। इट इज़ चीपर देन सिल्क, ये सिल्क से सस्ता होता है, एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स, और सिल्क फाइबर की तरह से उसको बुना जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, यानी इसमें बहुत सारे रंगों में उसको रंगा जा सकता है। रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स
और मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट्स, यानी कारपेट वगैरह बनाने के लिए भी उसको या तो क्या होता है कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं या फिर उसको वूल के साथ भी मिक्स करके कारपेट वगैरह बनाई जा सकती है। तो ये आप देख सकते हैं ये कारपेट बनी हुई है जो नाइलॉन फाइबर की है। तो इस तरीके से जो रेयन जो होता है उसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। सेकंड नंबर पे आता है नाइलॉन। तो नाइलॉन क्या था, एक ऐसा फाइबर था जो पूरी तरीके से सिंथेटिक था जिसमें नेचुरल सब्सटेंस का यूज नहीं हुआ। नाइलॉन इज अनदर मेड मैन मेड फाइबर इन 1931 यानी 1931 में इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, यानी जब इसको बनाया गया तो इसमें किसी भी तरह का कोई नेचुरल रॉ मटेरियल यूज नहीं किया गया फ्रॉम प्लांट और एनिमल, ना प्लांट से ना ही एनिमल से किसी भी तरह का, यानी इसको फुल्ली सिंथेटिक फाइबर भी हम कह सकते हैं। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉल वाटर एंड एयर, इसको किससे तैयार किया गया, कॉल से, वाटर से और एयर से। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, यानी ये सबसे पहला ऐसा फाइबर था जो पूरी तरीके से सिंथेटिक था, रेयन में रॉ मटेरियल का यूज़ किया गया नेचुरल का। नाइलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, अब नाइलॉन फाइबर कैसा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक भी था एंड लाइट और हल्का भी था। इट वॉज लस्चरस, उसमें एक चमक भी थी एंड ईजी टू वॉश, और उसको वो आसानी से धोया भी जा सकता था। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स बनाने के लिए नाइलॉन क्या हो गया, बहुत ही पॉपुलर हो गया। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन सच एज सॉक्स, रॉप्स, टेंट्स, टूथब्रशेज, कार सीट, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस एक्सेट्रा, यानी बहुत सारी जो घरों में चीज़ इस्तेमाल होती है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नाइलॉन से बनाई जाती है। नाइलॉन इज, तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं जो नाइलॉन के बने हुए होते हैं जिसके मैंने अभी नाम बताया आपको। तो नाइलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स, नाइलॉन जो होता है पैराशूट बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, एंड रॉप्स और रस्सियाँ बनाने के लिए भी फॉर मेकिंग फॉर रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग की जो रस्सियाँ होती है, जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले जो लोग होते हैं रस्सियों का सहारा लेकर के पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत इलास्टिक भी होती है। अ नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, अब देखो बहुत बड़ी बात कह दी है कि नाइलॉन जो होता है, नाइलॉन का जो थ्रेड होता है, नाइलॉन का जो धागा होता है वो वास्तव में स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग होता है, उससे भी ज़्यादा मजबूत होता है। लेट अस फाइंड आउट, इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है 3.1, ये सबसे पहली एक्टिविटी है इसकी, इसमें देखते हैं क्या है। टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैंप, एक आयरन स्टैंड लेते हैं जिसमें क्लैंप लगी हुई होती है। टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, एक कॉटन का थ्रेड लेते हैं, कॉटन का धागा लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर। टाइट टू द क्लैंप, इसको क्लैंप से बांध देते हैं सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट एज शोन इन फिगर, आप फिगर भी आप देख सकते हैं 3.5 एट द फ्री एंड सस्पेंडेड, इसका इसके दो एंड होते हैं, एक इसका एंड क्या है सस्पेंडेड है, दूसरे वाला जुड़ा हुआ होता है। तो क्या करते हैं इसमें, एन आयरन स्टैंड विद अ थ्रेड हैंगिंग फ्रॉम अ क्लैंप, यानी क्लैंप उसमें बांध देते हैं स्टैंड में जो हैंग करती रहती है, जो लटकी हुई होती है इसमें। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है, उसके बाद आपको एक टेबल दी हुई है इसमें। अ पैन सो दैट वेट्स कैन बी प्लेस्ड इन इट, एड वेट्स वन बाय वन, एक एक करके इसमें वेट लगाते हैं टिल द थ्रेड ब्रेक्स, जब तक थ्रेड वो टूट नहीं जाता। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, अब उसको जितना भी आपने इसमें वेट लगाया उसको आप नोट डाउन कर लें कि इतना वेट उसमें लगाने से जो थ्रेड होता है वो ब्रेक हो जाता है। दिस वेट इंडिकेट्स, ये वेट जो होता है क्या इंडिकेट करता है, द स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर, यानी फाइबर जो होता है वो कितना मजबूत है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद थ्रेड ऑफ वूल, यही एक्टिविटी आप वूल के साथ में या पॉलिएस्टर के साथ में या सिल्क या फिर नाइलॉन किसी के भी साथ में ये छोटी सी एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं, इससे ये पता लग जाएगा कि कौन सा फाइबर कितना स्ट्रॉन्ग है। टेबुलेट द डाटा एज शोन इन टेबल 3.2, अरेंज द थ्रेड्स इन ऑर्डर
ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। तो कॉटन जो होता है उस पर वेट बता सकते हैं कि कितना वेट लगाने से कॉटन का जो थ्रेड था वो ब्रेक हो गया, टूट गया। उसमें वूलन भी, वूलन पे यूज़ कर सकते हैं उसको, सिल्क पे भी और नायलॉन पे भी। यू मे यूज़ आ हुक और अ नेल ऑन द वॉल ऑफ द हैंगिंग द फाइबर्स एंड पॉलीथीन बैग एट द अदर एंड। ये भी कर सकते हैं कि एक हुक, यू मे यूज आ हुक, एक हुक यूज कर सकते हैं उसमें, या फिर जो एक नेल जो होती है, एक कील जो होती है दीवार पे, उस पर लगा करके भी, उस पर भी हैंग करके उसको फाइबर को चेक किया जा सकता है अलग अलग तरीके से, या इन प्लेस ऑफ वेट, या क्या करते हैं अगर वेट नहीं भी मिलते हैं तो यू मे यूज मार्बल्स या पेबल्स ऑफ सिमिलर साइज, उसी साइज़ के आप या तो मार्बल्स या फिर पेबल्स जो होते हैं, जो पत्थर जो होते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्रिकॉशन क्या है इसमें, नोट दैट ऑल थ्रेड्स शुड बी ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस। अब ये ध्यान रखें, ये प्रिकॉशन ज़रूरी है इसमें, नहीं तो पता नहीं लग पाएगा कि, क्योंकि उनकी लेंथ और उनकी जो स्ट्रेंथ जो है, नहीं उनकी जो थ्रेड्स क्या होने चाहिए, सेम लेंथ के होने चाहिए एंड द ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस, उनकी थिकनेस भी सेम होनी चाहिए, तभी पता लगा पाएंगे कि कौन मजबूत है, यानी कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके बाद आता है पॉलिएस्टर एंड एक्रीलिक, ये भी दोनों फाइबर ही होते हैं। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, पॉलिएस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर होता है। फैब्रिक मेड फ्रॉम द फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। अब आपने देखा होगा पॉलिएस्टर की के जितने भी फैब्रिक्स होते हैं उस वो रिंकल्ड नहीं होते, उसमें सलवटें नहीं आती। इट रिमेंस क्रिस्प एंड इज ईजी टू वॉश, और उनको धोना भी आसान होता है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसलिए ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए वो बहुत सुटेबल होता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग नाइस पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस, तो पीपल लोग आपने देखे होंगे अच्छी अच्छी शर्ट्स पहने पॉलिएस्टर की और दूसरे तरह की ड्रेसेस भी। टेरिलिन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर, यानी टेरिलिन क्या होता है, एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिएस्टर होता है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, यानी इसको ड्रॉ किया जा सकता है, इसका धागा बनाया जा सकता है इनटू वेरी फाइन फाइबर्स, बहुत ही पतले फाइबर के रूप में, बहुत ही अच्छे फाइबर के रूप में। दैट कैन बी वोवन, जिसको बुना जा सकता है लाइक अनदर यार्न, जिस तरीके से बाकी और जो यार्न होते हैं उसकी तरीके से उसको बुना जा सकता है। अब थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। माई मदर ऑलवेज बाय PET बॉटल्स एंड PET जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर दैट PET इज, अब PET के बारे में जानते हैं कि PET क्या है। PET इज अ वेरी फेमिलियर फ्रॉम अ फेमिलियर फॉर्म ऑफ अ पॉलिएस्टर, यानी PET क्या होता है, बहुत ही फेमिलियर पॉलिएस्टर होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, ये बॉटल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, या यूटेंसिल्स जो होते हैं, जो बर्तन होते हैं वो बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिल्म, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, तो इन सब चीज़ों में इसका यूज होता है PET का। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर, आप अपने आसपास में पॉलिएस्टर से बनी चीज़ों को देख सकते हैं। पॉलिएस्टर यानी पॉली प्लस एस्टर, इन दोनों को मिलाकर के बनता है पॉलिएस्टर। इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर, ईस्टर जो होता है उससे मिलकर के, एक केमिकल होता है उससे मिलकर के ये बनता है। ईस्टर्स आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। फैब्रिक्स और सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट या पॉलीवूल या टेरिकॉट एक्सेट्रा, एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, यानी ये इस तरह के फाइबर्स होते हैं जो मिक्स करके बनाए जाते हैं। पॉलीकॉट, जैसे पॉलीकॉट की बात करते हैं, पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन, यानी पॉलिएस्टर और कॉटन दोनों का मिक्स करके जो बनता है फाइबर वो क्या होता है, पॉलीकॉट होता है। पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वूल, इसी तरह की जो पॉलीवूल होता है वो पॉलिएस्टर और वूल दोनों से मिलकर के, दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स, हम स्वेटर्स और शॉल का यूज करते हैं, और जो ब्लैंकेट्स होते हैं, जो कंबल जो होते हैं विंटर्स में, उनका भी यूज करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल,
अब इनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नेचुरल वूल से नहीं बने हुए होते हैं, दो दे अपीयर टू रिसेंबल वूल, तो लेकिन वो दिखाई कैसे देते हैं, जैसे वूल उसमें रिसेंबल की गई हो। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रीलिक, यानी ये जो होता है अलग तरह का फाइबर होता है जिसको क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर है भी, एक्रीलिक उसको कहते हैं। ये वूल किससे मिलता जुलता ही होता है। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वेयर एज क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्रीलिक आर रिलेटिवली चीप। तो आपने देखा, अब दोनों में कंपेरिजन हो गया। वूल जो होता है नेचुरल फाइबर नेचुरल सोर्स से बनता है, इसलिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, जबकि एक्रीलिक से बने जो फैब्रिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, और बहुत सारे कलर्स में उनकी जो वैरायटी होती है वो अवेलेबल होती है मार्केट में। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स, यानी नेचुरल फाइबर से उनको अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि वो कैसे होते हैं, वो ड्यूरेबल भी होते हैं यानी लंबे समय तक चलने वाले भी होते हैं, अफोर्डेबल भी होते हैं यानी ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, इसलिए उनको प्रीफर किया जाता है। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं वो। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, एक एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर सकते हैं आप, आपने करी भी है इसमें, आप इसको पहले कर भी चुके हैं। ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी, क्योंकि जब नेचुरल फाइबर जो बर्न होता है या सिंथेटिक फाइबर जो बर्न होता है उसमें किस तरीके से, हम उसको देख सकते हैं, इसमें क्लास सेवन्थ में भी आपने इसकी स्टडी कर ली है। नेक्स्ट आता है, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, इसमें आप क्या ऑब्जर्व करते हैं जब इसको बर्न करते हैं सिंथेटिक फाइबर को, या फिर जो नेचुरल फाइबर होता है जब उसको बर्न करते हैं तो उसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं। व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स, यानी वो जो सिंथेटिक फाइबर जब बर्न होता है तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है नेचुरल फाइबर्स के बर्न करने से। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, जो सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो गर्म करने पर, हीट करने पर मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, और इस सिंथेटिक फाइबर का यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि जैसे उसको हीट मिलती है वो गर्म होता है, तुरंत मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है वो। इफ द क्लॉथ कैच फायर, यदि कपड़ा जो होता है अगर फायर को कैच कर लेता है, आग को पकड़ लेता है, इट कैन बी डिजास्टर्स होता है, यानी क्या हो सकता है, उसे बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो शरीर अगर हमने पहने हुए हैं उसमें आग लग गई है तो हमारे शरीर से चिपक जाता है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ अ पर्सन वेयरिंग इट, यानी जिस आदमी ने उसको पहना हुआ है वो उसकी बॉडी से चिपक जाता है। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी, तो वी शुड देयरफॉर नॉट वियर, यानी हमें क्या चाहिए, हमें सिंथेटिक जो क्लॉथ्स होते हैं वो वियर नहीं करने चाहिए जब हम किचन में काम कर रहे हैं या फिर हम किसी लैब में काम कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में सिंथेटिक फाइबर का यूज नहीं करना चाहिए। इसमें लिखा है, ऑफ नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माई मदर नेवर वियर्स पॉलिएस्टर क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन, यानी मेरी मदर जो है वो कभी नहीं पहनती है क्या पॉलिएस्टर क्लॉथ्स, कब, जब वो किचन में काम कर रही होती है, तो उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि वो बॉडी से चिपक जाता है गर्म होने के बाद में, मेल्ट हो जाता है। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, यानी जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो प्रिपेयर होते हैं किसके एक प्रोसेस से, उसमें क्या क्या यूज होता है, पेट्रोलियम मटेरियल, और उसी को क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। इमेजिन दैट इट इज अ रेनी डे, अब ये इमेजिन करिए कि आज रेनी डे है, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई, आप किस तरह का अम्ब्रेला यूज करेंगे और क्यों करेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स प्रोसेस यूनिक करेक्टरिस्टिक्स विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटीरियल, यानी इस तरह का जो ड्रेस मटेरियल जो होता है उसके लिए सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो यूनिक होते हैं, उनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं
दे ड्राई अप क्विकली, वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, अगर गीले हो जाए तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव, यानी बहुत कम कॉस्ट उनकी होती है, ज़्यादा खर्चा उन पर नहीं होता। रेडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, आसानी से वो उपलब्ध हो जाते हैं और उनको मेंटेन करना भी आसान होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ, अभी किसमें एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, क्या एक्टिविटी है। 3.2, टेक टू क्लॉथ पीसीज ऑफ द सेम साइज, रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर इंच। तो क्या करते हैं, दो क्लॉथ के पीसीज लेते हैं, उनका साइज भी सेम होता है और रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर इंच, यानी लगभग जो होता है आधा मीटर उसको दोनों का साइज होता है। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, अब उनमें से क्या होना चाहिए, एक नेचुरल फाइबर से बना हुआ होना चाहिए। द अदर कुड बी अ, और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए सिंथेटिक फाइबर, यानी एक नेचुरल फाइबर हो जाएगा और दूसरा सिंथेटिक फाइबर। तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसीज, उसमें आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा इसमें सिंथेटिक फाइबर है और कौन सा इसमें नेचुरल फाइबर है। सोक द पीसीज इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें क्या करें, उन पीसीज को अलग अलग उसमें ऐसे कंटेनर के अंदर रखे, ऐसे मग के अंदर रखे जिसके अंदर वाटर की अमाउंट होती है। टेक द पीसीज आउट ऑफ द कंटेनर्स, उन पीसीज को कंटेनर से बाहर निकालते हैं आफ्टर 5 मिनट्स, यानी लगभग 5 मिनट के बाद। एंड स्प्रेड दैम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट्स, यानी इसको धूप में रख देते हैं कुछ मिनट्स के लिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द ईच कंटेनर, यानी हर किसी कंटेनर के अंदर कितना वाटर बचा उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी किसने उसको वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया अपने अंदर। जो सिंथेटिक फाइबर्स सॉक लेस और मोर वाटर, जो सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। कौन करता है ज़्यादा, नेचुरल फाइबर जो होते हैं, जो नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई, अब ये भी है इसमें कि सूखने में जो टाइम लेता है वो नेचुरल फाइबर ज़्यादा लेता है जबकि सिंथेटिक फाइबर जो होता है बहुत जल्दी सूख जाता है। व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंथेटिक फैब्रिक्स, तो इससे आपको सिंथेटिक फैब्रिक्स के बारे में कौन सा करेक्टर पता लगता है। फाइंड आउट योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, यानी कितने लंबे समय तक वो चलते हैं वो अपने पेरेंट्स से आप जान सकते हैं। कॉस्ट जो होती है उनकी और उनका जो मेंटेनेंस होता है इन फैब्रिक्स का कंपेयर्ड विद द नेचुरल फैब्रिक्स, और उसकी कंपेयर करें नेचुरल फैब्रिक से। इसके बाद आता है टॉपिक प्लास्टिक्स। यू मस्ट बी फेमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे, यानी हम बहुत सारे हमसे फेमिलियर हैं प्लास्टिक से और हम बहुत सारे आर्टिकल्स हर दिन यूज करते हैं प्लास्टिक्स के। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेज, तो ऐसे आइटम्स की हम लिस्ट बना सकते हैं और उनके जो यूजेज होते हैं यानी कहाँ कहाँ पे वो किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। प्लास्टिक इज ऑल्सो आ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर, जिस तरीके से सिंथेटिक फाइबर जो होता है प्लास्टिक क्या होता है, एक पॉलीमर होता है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, यानी जितने प्लास्टिक्स होते हैं सभी एक जैसे नहीं होते, उनमें जो अरेंजमेंट जो होता है छोटे छोटे यूनिट्स का वो एक जैसा नहीं होता। इन सम इट इज़ लीनियर वेयर एज इन अदर्स इट इज़ क्रॉस लिंक्ड, यानी किसी किसी में क्या होता है लीनियर पॉलीमर होते हैं और किसी किसी में क्रॉस लिंक्ड होते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में। तो सबसे पहला जो है लीनियर पॉलीमर है ए, इसमें दिखाया गया है, और बी में क्या है ये क्रॉस लिंक्ड होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग जितने भी और फैब्रिक्स होते हैं जितने भी फाइबर्स होते हैं उनमें उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, कुछ में लीनियर होती है किसी किसी में क्रॉस लिंक्ड होती है। तो प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी इन फिगर 3.7, यानी प्लास्टिक आर्टिकल जितने भी होते हैं वो हमें हर किसी शेप में जितनी भी पॉसिबल शेप हो सकती है उस शेप में मिल जाते हैं, हर किसी साइज में मिल जाते हैं, हर किसी कलर में मिल जाते हैं, उनका जो वेट होता है वो भी लाइट होता है। तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल, ये किस तरीके से संभव होता है। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज ईजिली मोल्डेबल, यानी प्लास्टिक्स को मोल्ड उसकी मोल्डिंग की जा सकती है, किसी भी कोई भी शेप उसको दी जा सकती है
दैट इज़ कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, किसी फॉर्म में उसको शेप दे सकते हैं हम। तो प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूज्ड यानी दोबारा से उसको यूज भी किया जा सकता है, कलर्ड यानी उसको किसी भी तरह के हम रंग में रंग सकते हैं, मेल्टेड आसानी से पिघल जाती है, रोल्ड इंटू शीट्स उसको शीट में भी रोल कर सकते हैं, और मेड इंटू वायर्स यहाँ तक कि उसके वायर्स भी बना सकते हैं। दैट इज़ वाई इट फाइंड्स सच अ वैरायटी ऑफ यूजेज, यानी इसका मतलब क्या है कि इनके बहुत सारे यूजेज हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी कलरफुल चीज़ें होती है, चेयर होगी, बाल्टी होगी, तो इसमें क्या होता है यानी बहुत सारे टॉयज भी होते हैं, तो बहुत सारे इसमें कलर्स, बहुत सारी वैरायटीज, बहुत सारी शेप्स मिल जाती है उनकी। इसके बाद आता है पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स, यानी जो जो भी पॉलीथीन बैग्स होते हैं उनको बनाने के लिए पॉलीथीन का यूज़ किया जाता है। नाउ ट्राई टू बैंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, यानी किसका प्रयास करें, ट्राई टू बैंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, यानी आप क्या करें प्लास्टिक को बैंड करने का यानी इसको मोड़ने का प्रयास करें। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंट इजीली, क्या आसानी से जितने भी आर्टिकल्स होते हैं क्या सभी हम उसको आसानी से मोड़ सकते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजीली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड, यानी कुछ ऐसे होते हैं जो जिसमें बहुत फोर्स लगाना पड़ता है इसमें, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आसानी से बेंड हो जाते हैं। व्हेन वी एड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल, जब हम किसी प्लास्टिक बॉटल के ऊपर जब गर्म पानी डालते हैं, इट गेट्स डिफॉर्म्ड, उसकी शेप ही बदल जाती है। सच प्लास्टिक्स विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग, जो इस तरह के प्लास्टिक जो डिफॉर्म हो जाते हैं कब, गर्म करने पर, एंड कैन बी बेंड ईजिली, और जिसको आसानी से बेंड किया जा सकता है, जिनको आसानी से मोड़ा जा सकता है, इस तरह की जो प्लास्टिक होते हैं उनको क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स, यानी पॉलीथीन जो होता है आसानी से मोड़ सकते हैं, पीवीसी जो होता है वो भी इजीली इसमें बैंड किया जा सकता है। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, यानी इसको टॉयज बनाने के लिए, कॉम्स बनाने के लिए, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर, यानी बहुत तरह के जो कंटेनर होते हैं वो बनाने के लिए यूज किया जाता है। कौन सी प्लास्टिक का, थर्मोप्लास्टिक्स का। ऑन द अदर हैंड देर आर सम प्लास्टिक्स विच वैन मोल्डेड वंस, यानी कुछ ऐसी प्लास्टिक्स होती है अगर आपने उसको एक बार मोल्ड कर दिया, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, अब उसको कितना भी गर्म करें वो सॉफ्ट नहीं होगी, वो मुलायम नहीं होगी। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, इसी तरह की प्लास्टिक्स को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहा जाता है। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन, इसके दो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन जो होता है, ये इसके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के ही एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ तक कि ये रिसाइकल भी नहीं होते। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बेकेलाइट क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही पुअर कंडक्टर होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज बनाने के लिए, या हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, यानी बहुत सारे जो बर्तन होते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स, उनके हत्थे जो होते हैं, उनके हैंडल जो होते हैं, उनको बनाने के लिए। जबकि मेलामाइन जो होता है इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल, मेलामाइन एक वर्सेटाइल मटेरियल होता है, इट रेसिस्ट्स फायर, यह आपको रेसिस्ट करने का रोकने का काम करता है, एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स, और ये हीट को ज़्यादा टॉलरेट कर लेता है दूसरी प्लास्टिक्स की अपेक्षा। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए, किचनवेयर बनाने के लिए, एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर, और इस तरह के फैब्रिक बनाने के लिए जो फायर को रेसिस्ट करते हैं, रोकते हैं। फिगर में 3.8 में शो क्या होता है, द वेरियस यूजेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं फिगर 3.8 में कुछ ऐसी प्लास्टिक्स होती है जो थर्मो प्लास्टिक होती है, कुछ ऐसी होती है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होती है, यानी जिसको हम दोबारा से मोल्ड नहीं कर सकते, दोबारा से उसको शेप नहीं दे सकते। तो ऊपर किसके एग्जाम्पल्स हैं, आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये क्या हैं, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होती है जिसको हम रिमोल्ड नहीं कर सकते, दोबारा से उसको शेप नहीं दे सकते, और आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, नीचे आपने देखा ये पीवीसी हो गया, ये कंटेनर हो गया प्लास्टिक का, ये थर्मोप्लास्टिक्स होती है जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिमोल्ड कर सकते हैं, या फिर दोबारा से उनको रिसाइकल कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस,
यानी जो प्लास्टिक जो होते हैं वो एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस, यानी चॉइस के हिसाब से जो मटेरियल होता है। टुडे वी थिंक ऑफ स्ट्रॉन्ग फूड फूड आइटम्स, आजकल क्या होता है, वी थिंक ऑफ स्ट्रॉन्ग फूड आइटम, तो हम क्या सोचते हैं, अगर फूड आइटम के बारे में सोचते हैं, वाटर, मिल्क, जैसे पिकल्स हो गया, ड्राई फूड हो गया एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट, यानी प्लास्टिक कंटेनर जो होते हैं वो ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं जो अक्सर इनमें रखे जाते हैं जो चीज़ें। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक तो उसका वजन कम होता है, लोअर प्राइस कीमत कम होती है, गुड स्ट्रेंथ मजबूत भी होते हैं, एंड ईजी हैंडलिंग, और उसको उठाना रखना सब क्या होता है, आसान होता है, बींग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स। अगर यही कंटेनर, अगर इतने बड़े कंटेनर अगर मेटल के होते हैं तो उसमें वजन भी ज़्यादा होता है, उनमें चोट लगने का भी खतरा रहता है, उनका वेट भी ज़्यादा होता है, तो उसको रखना मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लास्टिक्स आर यूज इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट टू, यानी जो प्लास्टिक्स है वो कारों में, एयरक्राफ्ट्स में, स्पेस क्राफ्ट्स में भी यूज़ की जाती है। द लिस्ट इज एंडलेस, यानी इसका कोई अंत नहीं है, कहाँ कहाँ पे यूज होती है, हर जगह यूज होती है, हर फील्ड में। इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर्स एंड डेकोरेशन पीसेज एक्सेट्रा, तो कहीं तक आप उसको काउंटिंग करते चले जाइए, क्योंकि हर चीज़ें हर फील्ड में आपको मिल जाएगी। नाउ लेट अस डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक्स क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। यू नाउ दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, यानी जब आप लोहे की कोई भी चीज़ होती है, आयरन की कोई भी चीज़ बनी होती है, जब उसका आप उसको एयर में छोड़ देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं खुले में, तो रस्टिंग उसमें हो जाती है मॉइस्चर की वजह से। बट प्लास्टिक्स डो नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, प्लास्टिक जो होता है ना वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना ही एयर के साथ रिएक्ट करता है। दे आर नॉट कॉरोडेड ईजीली, उसमें आसानी से कॉरोजन नहीं होता है। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इस प्रकार क्या होता है, बहुत सारे जो स्टोर वेरियस, इसमें यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल, यानी बहुत तरह के मटेरियल्स को स्टोर करने में, यानी उसमें रखने में, बर्तन को किसी तरह का जो मटेरियल जो होता है उसमें स्टोर करने के काम आता है। इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स, उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं, क्योंकि केमिकल्स भी प्लास्टिक के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, हल्की भी होती है, मजबूत भी होती है, और लंबे समय तक चलने वाली भी होती है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स एंड वर यूज इन द पास्ट, यानी जो पहले जो बकेट होते थे उसके बारे में आप जान सकते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, कि किस तरीके से बकेट का यूज किया जाता है। वॉट इज द मटेरियल ऑफ बकेट्स और मग यू आर यूजिंग टूडे, और आज जो यूज़ करते हैं बकेट का या फिर जो मग का यूज़ करते हैं उसमें और इसमें क्या अंतर है। वट आर द एडवांटेजेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर, यदि हम एक प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ करते हैं तो उसके हमें क्या फ़ायदे हैं। सिंस प्लास्टिक्स इज वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इन टू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। प्लास्टिक क्या होता है, बहुत ही हल्का भी होता है, उसका वजन कम होता है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत भी होता है, ड्यूरेबल भी होता है, लंबे समय तक चलने वाला, एंड कैन बी मोल्डेड इन टू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, और किसी भी शेप में उसको बदला जा सकता है या किसी भी साइज में उसको बनाया जा सकता है। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पजेज, यानी इसके बहुत सारे पर्पज होते हैं यूज़ करने के। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स, और सबसे बड़ी बात क्या है, सस्ता मिलता है प्लास्टिक जो होता है, मेटल की अपेक्षा सस्ता मिलता है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यानी इंडस्ट्रीज में भी और जो घरों में जो बहुत सारी चीज़ें यूज होती है वो सारी प्लास्टिक की बनी होती है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यू यूज इन डेली लाइफ, यानी आप उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं, जो भी आप अपनी डेली लाइफ में प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं या जो भी प्लास्टिक की चीज़ें बनी होती है उनको आप यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स, अब जो प्लास्टिक्स होती है वो पुअर कंडक्टर्स होती है, किसकी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की। यू हैव लर्नड अबाउट द प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग,
इसलिए क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उस पर ऊपर जो कवरिंग होती है प्लास्टिक की रखी जाती है, एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स, जो भी स्क्रू ड्राइवर जो होता है उसके उनके जो हैंडल्स होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, एज मैंशन अबव। हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन, जो फ्राइंग पैन जो होते हैं उनके भी हैंडल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स, वो भी प्लास्टिक्स के बने हुए होते हैं। इसके बाद में क्या है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, प्लास्टिक्स फाइन एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, यानी जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पर भी उनका यूज़ किया जाता है प्लास्टिक्स का। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज आर द पैकेजिंग ऑफ टेबलेट थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वाउंड्स सिरिंजेस डॉक्टर्स ग्लव्स एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं मेडिकल फील्ड में भी जहाँ पर प्लास्टिक्स का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा पैकेजिंग जो होते हैं जिसमें टेबलेट को पैक वगैरह करते हैं, थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वाउंड, यानी जब जख्म जो हो जाता है उसमें जो टाँके लगाते हैं स्टिचिंग जब करते हैं तब भी इसमें इनका यूज़ किया जाता है प्लास्टिक का। जो सिरिंज जो होती है वो भी डॉक्टर जो यूज़ करते हैं वो भी प्लास्टिक की होती है, या जो डॉक्टर के जो ग्लव्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी प्लास्टिक्स के होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड, यानी फूड को कुक करने के लिए पकाने के लिए ओवन के अंदर भी एक खास तरह की प्लास्टिक का यूज किया जाता है। इन माइक्रोवेव एंड हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल, यानी माइक्रोवेव जो ओवन जो होता है उसमें हीट से खाना पकता है एंड फूड एंड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल, लेकिन वो प्लास्टिक वेसल पर उसका कोई प्रभाव कोई असर नहीं होता है। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, टेफ्लॉन जो होता है इस तरह का प्लास्टिक होता है कि जिसमें ऑयल और वाटर जो होते हैं वो स्टिक नहीं होते, चिपकते नहीं हैं। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स, उन पर क्या की जाती है नॉन स्टिक जो कोटिंग होती जो होती है वो कर दी जाती है। और इसके बाद आता है हमारा फायर प्रूफ प्लास्टिक्स, इस तरह की प्लास्टिक्स भी होती है जो फायर प्रूफ होती है। ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेज फायर इजीली, जो सिंथेटिक फायर जो होते हैं यद्यपि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं आसानी से फायर को कैच कर देते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक दैम फ्लेम रेजिस्टेंस, यानी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये जानना, क्योंकि जो यूनिफॉर्म जो होती है फायरमैन की वो भी किसकी बनी होती है कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक, जो मेलामाइन प्लास्टिक जो होता है उसकी कोटिंग उसके ऊपर रहती है ताकि उसको फ्लेम रेजिस्टेंस, यानी ताकि वो आग ना पकड़े, इसलिए उसको बनाया जाता है इस तरह का। इसके बाद आता है प्लास्टिक्स एंड द एनवायरमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लास्टिक्स और एनवायरमेंट। व्हेन वी गो टू द मार्केट, जब भी हम मार्केट जाते हैं वी गेट यूजली थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक्स और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं, बहुत सारा ऐसा सामान होता है या प्लास्टिक की पैकिंग में या फिर जो प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं वो उनमें लपेट करके हम ले आते हैं। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक्स वेस्ट कीपिंग गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स, तो इस तरीके से क्या होता है बहुत सारा जो प्लास्टिक वेस्ट जो होता है वो हमारे घरों में इकट्ठा हो जाता है, अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे इन द गार्बेज, तो वो कहाँ जाते हैं सब फिर गार्बेज में चले जाते हैं, कूड़े में चले जाते हैं। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, यानी प्लास्टिक का जो डिस्पोजल जो होता है ये बहुत बड़ी समस्या है। और क्यों है, अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, यानी इस तरह की जो चीज़ें हैं जो जिनको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देता है, यानी बैक्टीरिया के एक्शन से जो डिकम्पोज हो जाते हैं उन सबको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। अ मटेरियल विच डू नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस, जो नेचुरल प्रोसेसेस से डिकम्पोज नहीं होता है इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसे क्या कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक टेबल है इसमें 3.3, इसमें आप देख सकते हैं जो लाइफ जो होता है जो अप्रोक्सीमेट जो टाइम होता है वो क्या होता है। अब इसमें टाइप दे रखा है टाइप ऑफ वेस्ट, जो पील्स जो होते हैं वेजिटेबल के जो पील्स होते हैं या जो फ्रूट पील्स होते हैं, लेफ्ट ओवर
लेफ्ट ओवर फुट स्टेप जो होते हैं एक्सेट्रा, उसमें लगभग 1 से लेकर 2 वीक लगते हैं और वो कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो पेपर का भी इसमें कॉटन जो कॉटन क्लॉथ जो होते हैं या वुड जो होता है, इन सब के टाइमिंग दिए हुए हैं कि कौन कितने दिनों में डिकम्पोज हो जाता है और इनमें से कौन कौन बायोडिग्रेडेबल होता है और कौन कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। जो डिकम्पोज नहीं होता है वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, और जो डिकम्पोज हो जाता है बैक्टीरिया के या फिर जो फंगस जो होता है उसके एक्शन से वो बायोडिग्रेडेबल होता है। सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, क्योंकि जो प्लास्टिक जो होता है उसमें कई साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, बहुत साल लग जाते हैं, इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इसलिए वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटीरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नट ईजिली। अब देखो, क्योंकि जो इसका बर्निंग प्रोसेस जो होता है सिंथेटिक मटेरियल का, जो बर्निंग प्रोसेस होता है इज़ क्वाइट स्लो, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, एंड इज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नट ईजिली, और पूरी तरीके से वो जलता भी नहीं है। इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स, उसमें बहुत सारा जहरीला फ्यूम निकलता है इन टू द एटमोसफियर, जो कहाँ चला जाता है एटमोसफियर में, कॉजिंग एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, यानी जहाँ तक संभव हो सके प्लास्टिक का कम से कम यूज करें। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, यदि आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो इस तरह के बैग का यूज करें जो कॉटन या फिर जूट के बने हुए होते हैं, या पेपर के भी बने हुए हो सकते हैं। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली, यानी जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है या फिर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको अलग अलग तरीके से अपने उसमें डिस्पोज ऑफ करें, दोनों को मिक्स ना करें। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, अपने घरों में इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, क्या आप इस तरह की कोई और चीज़ें बता सकते हैं जो इनके ऑल्टरनेट्स होते हैं ताकि आप उसका यूज़ करें प्लास्टिक की जगह। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, यानी जो थर्मोप्लास्टिक जो होती है वो रिसाइकल की जा सकती है, इसलिए उसको ये बेटर होता है, ये अच्छा रहता है। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड, वो चीज़ें भी आप बता सकते हैं इस तरह की प्लास्टिक की बता सकते हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडिड, जब रिसाइकलिंग कर रहे होते हैं उस टाइम तो क्या होता है उसमें कुछ कलरिंग यानी कलर उसमें मिला देते हैं, जिससे हमें मार्केट में वही चीज़ें होती है अलग कलर में अलग शेप में हमें अवेलेबल हो जाती है। दिस लिमिट्स इट्स यूज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, और इनको विशेष रूप से फूड को स्टोर करने में यूज किया जाता है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल, यानी जो भी रिस्पॉन्सिबल जो सिटीजन होते हैं, जो जिम्मेदार नागरिक होते हैं, उनको 4R जो प्रिंसिपल है उसको ध्यान में रखना चाहिए। रिड्यूस यानी किसी चीज़ का कम यूज़ करना, रीयूज यानी किसी चीज़ को एक बार यूज़ करने के बाद, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हम क्या करते हैं यूज़ करके उसको फेंक देते हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो हम दोबारा भी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं किसी और काम में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं रिसाइकल, यानी कुछ चीज़ें इधर उधर ना फेंकें, जब हमें पता है इन ये चीज़ें रिसाइकल हो सकती है तो उनको रिसाइकल करने में हेल्प करें। एंड रिकवर, और रिकवर कैसे करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम रिकवर कर सकते हैं उसका कम से कम यूज़ करके, और उनको उसकी रिकवरी की जा सकती है यानी बचा के रखें, ध्यान से उसको यूज़ करें। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, और इस तरह की हैबिट्स को डेवलप करें जो क्या हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, यानी जिसमें एनवायरमेंट को किसी तरह कोई लॉस कोई नुकसान ना हो। हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स स्पेशली काउ आर ईटिंग गार्बेज, आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ गार्बेज होता है, जहाँ कूड़ा होता है, गार्बेज डंप होता है, वहाँ पर जो कुछ एनिमल्स होते हैं घूमते रहते हैं, काउज वगैरह होती है, वो क्या करती है, वो गार्बेज खाती रहती है। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट
दे स्वेलो मटीरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड। हम क्या करते हैं, जो भी खाना बचता है या जो भी इस तरह का जो चीज़ें होती है पॉलीथीन में करते हैं उसको और कूड़े में फेंक देते हैं। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या आपको उसके नुकसान पता है क्या होते हैं। द प्लास्टिक मटीरियल चॉक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स और फॉर्म्स अ लाइनिंग इन द इन देयर स्टमक स्टमक्स एंड कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ। और ये जो प्लास्टिक जो ये इस तरह की जो प्लास्टिक्स होती है, इस तरह के जो प्लास्टिक मटेरियल जो होते हैं, जब भी कोई पशु उसको खा लेता है तो उसका जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम जो होता है वो उसको चॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे उसको सांस नहीं आता या फिर उसके स्टमक में चले जाते हैं जहाँ पर वहाँ पर उसकी वो डेथ का कारण बन जाते हैं, उससे पशु मर जाता है। द पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर, और लापरवाही से हम क्या करते हैं पॉलीबैग्स को इधर उधर फेंक देते हैं। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग एंड ड्रेन्स, तो क्या होता है उससे जो नालियाँ होती जो होती है वो भी बंद हो जाती हैं। टूस और समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस, कभी कभी क्या होता है हम बहुत लापरवाही कर जाते हैं। एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ द चिप्स बिस्किट्स एंड अदर इटेबल्स ऑन द रोड। अब जो भी रैपर्स जो होते हैं बिस्किट के चिप्स के, तो हम क्या करते हैं इधर उधर रोड पे फेंक देते हैं और इन पार्क्स या पास में फेंक देते हैं या भी जो पिकनिक प्लेस जो होते हैं वहाँ पर भी फेंक देते हैं। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, और ऐसा करते हम कभी सोचते नहीं है कि इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए, वॉट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक, यानी आप उस पे एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए आप ये सजेस्ट करें या ऐसी चीज़ बताएं और लोगों को भी बताएं कि जहाँ भी पब्लिक प्लेस होते हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें ना फेंकें। फाइबर वाइज डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड, ना तो पानी में फेंके जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना ही रोड पे फेंके। टेक द कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग, जब भी शॉपिंग पे जाएं तो हमेशा या तो कॉटन का बैग या फिर जो जूट वगैरह का जो बैग होता है उसको रखें, प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल यूज अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन, यानी जो लंच बॉक्स भी आपने देखा होगा, लंच बॉक्स जो होते हैं बहुत सारी शेप में बहुत सारे साइज में प्लास्टिक्स के बने हुए होते हैं, तो उनका यूज ना करें, उसकी जगह आप स्टील के लंच का यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी इसमें मेरे ख्याल से चैप्टर आपका कंप्लीट ही हो गया है। जी हाँ, आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर हो सकता है कि थोड़ा बहुत अगर कहीं ऐसा लगे कि आपको कि ये समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, और अपनी कुछ क्वेरी अगर होती है, कोई अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि कोई चीज़ रह जाती है समझे बिना, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के भी ये जान सकते हैं। ओके।